नीचे आए। हाँ, ये मेरी प्रार्थना है आपसे, मंच की व्यवस्था बनाए रहे। आप सभी किसान चेयरमैन जी, पूर्व पार्षद श्री श्री एक बार हाथ उठा के अभिनंदन करिए, अपने लाडले का जोरदार हाथ उठा के ताली बजा के। मैडम किरण चौधरी, मैडम श्रुति चौधरी, भाई ममन, कांग्रेस पार्टी, मैडम श्रुति चौधरी, मैडम किरण चौधरी, भाई ममन। दोस्तों एक बार तालियों से, मेरी ये माताएं बहनें ढाई घंटे से यहाँ बैठी हैं। मैडम ढाई घंटे से मेरी माताएं बहनें आपके स्वागत के लिए बैठी हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरी माताओं बहनों के लिए, ढाई घंटे से धूप में आपके इंतजार में बैठी हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरी माताओं बहनों के लिए। कृपया एक बार स्टेज कृपया जितने भी हमारे भाई मैडम के साथ आए हैं, कृपया नीचे आ जाएं। जितने हमारे मेहमान आए हैं, कृपया स्टेज के ऊपर जितने भी हमारे पार्षद हैं, जितने भी पूर्व पार्षद हैं, वो स्टेज पर रहें। बाकी साथी नीचे आ जाएं। मैडम हमारे बीच में हैं, चंद ही क्षणों में हमारे बीच में रहेंगे। मैडम हमें कामना करते हैं, आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि मैडम श्रुति चौधरी हमारी सांसद बने, आप हरियाणा की सीएम बने। लेकिन एक वादा हम आपसे चाहते हैं कि भाई ममन भी भिवाड़ी शहर का एमएलए बने। इस नारे के साथ भाई ममन जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, भावी सीएम मैडम किरण चौधरी देंगे। और साथ में साथ देंगे भाई ममन चंद चेयरमैन जी, और साथ में भाई धीरज सिंह जी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस, अजय चेयरमैन बामड़ा जी, सविता मान जी, सेवा देवी ढिल्लो जी, राजबाला सौराण जी, श्री शीला गौरा जी और मुकेश पाड़ी जी हमारे बीच में है। मैडम का स्वागत करते हुए, मैडम किरण चौधरी, मैडम श्रुति चौधरी, भाई ममन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मैडम किरण चौधरी, मैडम श्रुति चौधरी, भाई ममन, कांग्रेस पार्टी, किरण चौधरी, मैडम श्रुति चौधरी, चौधरी बंसीलाल, मैडम किरण चौधरी, भाई ममन। एक बार जोरदार स्वागत किया जाए, भाई ममन, मैडम किरण चौधरी, मैडम श्रुति चौधरी, कांग्रेस पार्टी। देखिए हम सभी से निवेदन है, कृपया स्टेज पे हमारे जितने साथी हैं आप सभी नीचे आ जाएं, ताकि अगले जो वक्ता हैं भाई ममन चंद चेयरमैन जी आपके बीच में होंगे। भाई ममन चंद चेयरमैन जी आपके बीच होंगे। चंदी भाई साहब बैंड बंद कर दीजिए प्लीज। मेरी सबसे प्रार्थना, भिवाड़ी के एमएलए बने भाई ममन। अभी जो हमारे भाई अमित चौधरी जी यहाँ पर हैं, एक बहुत ही शानदार हमारी बहन श्रुति चौधरी के लिए, मैडम किरण चौधरी के लिए बड़ी मेहनत से इन्होंने एक भजन तैयार किया है, तो मैं गुजारिश करता हूँ 2 मिनट बैठ जाए, उसको ध्यान से सुने। धन्यवाद सभी के, क्योंकि समय लग जाएगा। एक को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित पर जो हमारे मेरे बहुत ही प्यारे अजीज मेरे भाई अमित चौधरी जी और उनकी मैडम छम्मा तिवारी जी, हरी मिर्ची, जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी, क्योंकि वो पहले प्रोग्राम था उनके पास, लेकिन मेरी एक प्रार्थना, मेरा प्यार, उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल करके मेरे प्रोग्राम को लिख लिया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई अमित चौधरी का। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी जो जोश जो यहाँ पर है वो 12 तारीख तक हमने बरकरार रखना है, क्योंकि हमारी भिवानी ज्ञान मन और शान की है। आपने देखा पिछड़ा भ्याणी तो हारेगी, अच्छा भाई भ्याणी तो हारेगी, इतने एमसी, इतना भाईचारा, भ्याणी तो जीतेगी, पूरी लगाओ भ्याणी तो जीतेगी। मैडम जी,
यहाँ पर हमारे पार्षद साथी जो आए हैं पार्टी छोड़कर, अभी आपको नाम बता देंगे। और हमारा एक ही संकल्प है, मैं तो एक बात कहूंगा, एक ही संकल्प है, हाथ का निशान। हाथ का निशान अगर मजबूत होगा तो हमारी बहन जी लोकसभा में जाएगी और हमारी मैडम सीएम कुहाएगी। तो धन्यवाद आप सबका। अब हमारी मैडम जी आपके सामने विचार रखेंगे। लड्डू पहले मैडम को बोलेंगे, पहले जाएंगे फिर आप। चलो अभी आपके बीच में मैडम किरण चौधरी जी। मैडम हमने लड्डुओं का प्रोग्राम आपके लिए किया था, मैडम लड्डुओं का प्रोग्राम हमने आपने किया था, सामने तराजू रखा है, लेकिन समय का अभाव है, हम लड्डुओं का प्रसाद आपके नाम पे बांट देंगे। केस विशाल और उत्साहित जनसभा के आयोजक, मेरा छोटा भाई, हमारा एमसी तगड़ा, जो भाई किसी की परवाह नहीं करता और तगड़ी तरीके से काम करता है, मामन जी, हमारे संदीप भारद्वाज जी, करमवीर एमसी साहब, रोशन लाल एमसी जी, दलबीर छोटू एमसी जी, नरेंद्र तवर एमसी जी, वासुदेव शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक मंत्री रहे राम प्रताप, मेरे भाई राम प्रताप शर्मा जी, अशोक भवानी वाला जी, हमारे बीच में इतनी जबरदस्त तरीके से, इतने वो कहते हैं ना उत्साहित हो कि अभी नाच करा जिन्होंने, नंद किशोर जी, हमारा बच्चा प्रदीप गुलिया जी, और हमारे बीच में आए हुए नरेश शर्मा जी जो हमारे एक एमएलए हैं बादली से, अशोक एमसी जी, हरिराम एमसी जी, संजय कौशिक जी, देवराज मेहता जी, विनोद छपरिया जी, राजकुमार एमसी जी, कृष्ण लेगा जी, और भाई मंच के ऊपर सारे जी, और मामण के मामा, मामण का मामा और मामण का फूफा जी, ठीक है ना, यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों, और बहुत बहुत प्यारी मेरी माताओं बहनों, मैं अपने पत्रकार भाइयों से थोड़ा सा प्रार्थना करूंगी, आप अगर इधर आ जाएं, माते माताएं बहनें जो हैं वो अच्छी तरह, भारी बहुमत से, भारी मतों से जीत के निकली थी, और मामन ने ही वो मीटिंग करवाई थी, याद है मामन, बहुत कितने मत, 2009 की बात, 2009 कहां पे करी थी, कहां पे करी थी इसने एक मीटिंग करी थी इसने जवाहर चौक में, जहां भी करी, तो और दो, ये जो है आज जिस तरह का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे वो दिन फिर याद आ रहे हैं, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह का आपका मान सम्मान जो आपने मुझे दिया है, इसका मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि ये मान सम्मान की पगड़ी आपकी कभी नीचे नहीं होगी, आगे ही आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ पे श्रुति चौधरी जब जीत कर निकली तो एक चीज का बहुत अभाव था, सारी जगह हमने घूम कर देखा और पता चला कि भिवानी के अंदर सीवर और पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, खत्म हो चुकी है। चौधरी बंसीलाल जी ने कभी अपने समय पर काम किया था, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद, भिवानी की सुध बुध किसी ने नहीं ली, और हमारा हाल वो हो गया, बद से बदतर हमारा हाल हो गया। श्रुति ने तय करा कि सबसे पहला काम जो मैंने भिवानी के लिए करना है वो है कि सीवर की व्यवस्था करी जाए और पानी की पाइपलाइन जगह जगह पर डाली जाए। मैंने जब अपने अफसरों को बुलाया और उनको कहा कि खाका तैयार करो जिसके अंदर पूरी तरह से जाल एक बिछ जाए सीवर और पानी का, तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बिल बनाकर दे दिया कि मैडम ये तो हो नहीं सकता, इतना पैसा लगेगा। आपको मैं बताना चाहती हूं कि मेरा विभाग का कुल जो पूरा का पूरा बजट हरियाणा के लिए 1700-1800 करोड़ उस समय जो था 10-14 साल पहले, उस बजट के अंदर ये काम नहीं हो सकता था,
क्योंकि पूरे हरियाणा में मुझे काम करना था मंत्री होने के नाते। तो श्रुति को मैंने कहा कि बेटा ये कैसे हो पाएगा। श्रुति ने मुझे कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं मां, मैं केंद्र सरकार से नाबार्ड के जरिए पैसा लेकर आऊंगी, पैसा मैं लाऊंगी, गली गली के अंदर काम करो ताकि कोई भी हमारी भिवानी की एक गली वंचित ना रह जाए। उस समय जब ये बात शुरू हुई मैंने अफसरों को बुला के कहा कि भाई काम शुरू करो, पैसे की फिक्र मत करना। उस समय मामन भी आए, अपने इलाके का पूरा खाका लेकर आए। माताओं बहनों, दो मिनट की बात है, आपको मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। मामन जी भी लेकर आए कि मेरे इलाके के अंदर मैडम ये काम करिए, यहाँ पर सीवर और पानी की बहुत खराब व्यवस्था है, इसको आप इसको दुरुस्त करिए। और यहाँ पे भिवानी इस बात का गवाह है कि मेरी कलम से जो मेरे पास आया एक मिनट के अंदर उसका काम किया, और भाई पूरे भिवानी का एक तरफ का हमने काम किया। बड़े बड़े काम जो थे श्रुति ने करे, एनसीआर में आपको लेकर आई, आपके यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए, शायद आपको मालूम नहीं, यहाँ पर पानी की राशनिंग शुरू हो जानी थी, पानी पीने को नहीं मिलना था। 7 बड़े बड़े टैंक श्रुति के पैसे से हमने भिवानी के अंदर बनाए, और उसके साथ साथ हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए कि जहां पानी जो है साफ सुथरा तरीके से आए, और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जहां पे आपका सीवर जाकर वो पानी साफ कर धाना रोड के ऊपर पानी जाता है और 16-17 गांव को वो पानी सिंचित करता है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे ये श्रुति ने आप लोगों के लिए करे। मेडिकल कॉलेज भी श्रुति ने आपके लिए स्वीकृत करवाया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये बीजेपी सरकार 5 साल से जो प्रोजेक्ट हमारे लिए श्रुति चौधरी लेकर आई थी उसके ऊपर इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। और तो बात छोड़िए, जो काम हुआ सो हुआ। मुझे मालूम चला कि हमारे एमसी भाई यहाँ पर धरने में बैठे, किस लिए धरने में बैठे हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही, सीवर जैम हो गए हैं। सही बात है क्या ये? सही बात है, हाथ खड़े करके बताओ। सीवर जैम हो रहे हैं, पानी गंदा मिल रहा है, अभी भी गंदा हो रहा है, और इनकी एमसी का मतलब चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे समय पर किसी की हिम्मत नहीं थी एक अफसर की, तुम जानते हो जो गलत काम और जो सुनवाई नहीं करता उसको चूड़ी चढ़ाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हमने अपने समय में पर यहाँ पे 2 सुपर सकर मशीन जो है करोड़ों रुपए की लाकर रखी कि जहां पे भी सीवर की कमी आए, जहां पे भी सीवर की शिकायत आए, उन मशीनों के जरिए सफाई करके जो है हम वहां पे काम कर सकें। लेकिन हमारी लिए भिवानी के लिए जो मशीनें खरीदी गई थी वो हमारे मुख्यमंत्री साहब करनाल उठाकर ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं ये। हमारे भिवानी के साथ जो सौतेला व्यवहार करा गया है उसको क्या तुम कभी माफ करोगे, ये मुझे बताओ। हमारे भिवानी के साथ जो इन्होंने जुल्म करा है उसको माफ करोगे क्या तुम मुझे बताओ। आज खाली एक मौका मिलता है, वो मौका है वोट की चोट का, समझ गए। 36 बिरादरी हमारी एक है, चौधरी बंसीलाल के घर में कभी कोई जात पात की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं हुई। और हमारा घर सबका घर है, भिवानी का घर है, ये चौधरी बंसीलाल जी का घर हमारे लोगों का घर है, और उस घर की शान, उस घर का ताज भिवानी के लोग हैं और 36 बिरादरी के लोग हैं। तो ये कोई भी अगर ये बीच में फैलाने की कोशिश करते हैं, ये बीजेपी ने काम कुछ नहीं करा, केवल एक काम करा। क्या काम करा? भाईचारा खराब करने का काम करा। सही है या नहीं? ये क्यों? कि इनकी आदत है इनको बांट दो, बांट बट गए तो इनका ध्यान
ना सीवर पे जाएगा, ना पानी पे जाएगा, ना नौकरियों पे जाएगा, ना कोई व्यवस्था पे जाएगा। और जो ये जो दूसरे डुगडुगी लेकर आते हैं, ये मोदी जी जो है ना, इनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है भाई। मैं भी बता रही हूँ, डुगडुगी जैसे बजाते हैं ना मदारी, उस तरह से आते हैं ये लोग। कभी कहेंगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सारे बड़े राजी हो बड़ी अच्छे दिन आएंगे। बताओ माताओं बहनों, तुम बैठी हो वहां, मैं माताओं बहनों से एक बात पूछती हूँ, आज गैस का सिलेंडर कितने का हो गया बहनों? 900 रुपए का हो गया। हमारे टाइम पे 400 रुपए का था। अच्छे दिन आ गए ना, चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया या नहीं मुश्किल हो गया, बताओ हाथ खड़ा करके। बिल्कुल, चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया हमारी माताओं बहनों का। मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा, सारे बड़े खुश हुए भाई। काला धन आएगा भाई, और हमारे खातों के अंदर आएगा। होया था ना या नहीं हुआ था, बताओ भाई, सच्ची बात है नहीं? सारे बड़े राजी हुए भाई। बात तो ये हुई, जो काला धन तो बेरानी किसका आया नहीं आया, जो काला धन वाले थे सफेद करके ले ली मौज उनने, तो जो हमारा अपना धन था, हमारा जो अपना धन था, जो हमने एक एक रुपया दबा दबा के सालों से बचा बचा के रखा था, निकाल के निकाल दिया नहीं निकाल दिया मोदी जी ने, बताओ निकाल दिया? हर एक औरत की आदत होती है भाई, उसकी जब तक उसकी अलग से एक पोटली ना हो ना, जो चुपचाप करके वो रखती है, उसके संतुष्टि नहीं होती। वो इसलिए कि भाई कोई बुरा वक्त आ जाए तो पैसा निकालना पड़े, सही बात है या नहीं? कोई भाई बहू से छुपा के बेटी को देना हो, सही बात है या नहीं? और भी भाई बहुत सारी चीजें होती हैं जो औरतों की जरूरतें होती हैं, लेकिन ये मोदी जी ने तो जो हमारा बचा बचाया पैसा सालों साल से रखा था वो भी निकाल दिया। निकाल दिया नहीं निकाल दिया, बताओ? निकाल तो दिया, छोटी और बना दी। बना दी कि नहीं छोटी? सबके सामने ये बात आ गई कि भाई कितना दबा दबा के रख रही थी, सच्ची बात है या नहीं, बताओ भाई, सही बात है ना? घर के अंदर रोले और हो गए कि तू इतना धर रही थी, मेरा ही नहीं था, बताया ही नहीं था। नीचे हो जाओ भाई, नीचे हो जाओ, पीछे वाले नहीं देख पा रहे, नीचे हो जाओ। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, और फिर भाई 15 लाख आएंगे। अब मैं तुम्हारे को एक वाक्य सुनाती हूँ।